सुस्वागतम नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम सलाम प्रणाम मेरे प्यारे बहन और भाइयों, सुस्वागतम आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ सी नारायण लेकर आज के दिन विशेष जो है भाई 19 जनवरी के। जी हाँ बहन भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार, आज का सवाल, सब कुछ एक ही पैकेज में भाई। तो ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC चैनल। तो भाई चैनल को, अब चैनल पर अगर आप नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और भाई अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहन और भाइयों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सुविचारों के साथ। सबसे पहले आज का सुविचार, दो सुविचार, और ये भाई छोटे छोटे सुविचार है, बहुत बढ़िया सुविचार है। पहला सुविचार है कि कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी कड़ी हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। जी हाँ मेरे भाइयों, बहुत ही बढ़िया सुविचार। फिर एक बार, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी कड़ी हो समुद्र को नहीं सुखा सकती, है ना। समुद्र शांत होता है और ये सूरज कितना भी कड़ा हो गया तो भी सुखा नहीं सकता समुद्र को। दूसरा सुविचार बहुत ही बढ़िया। फिर एक बार दूसरा सुविचार, बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। जी हाँ, सही है ना भाई। तो फिर एक बार, बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। तो ये हुए भाई आज के दो सुविचार, प्रेरणादायी सुविचार, बहुमूल्य सुविचार। जी हाँ बहन भाइयों, और अब आज का सवाल, बहुत ही रोचक सवाल है आज का। सवाल ये कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा घंटा कहाँ लगाया गया है। जी हाँ बहन भाइयों, दुनिया का कह रहा हूँ भाई, भारत का या किसी देश का नहीं, तो दुनिया का सबसे बड़ा घंटा कहाँ लगाया गया है। ढूंढिए और सोचिए, और भाई दिमाग की बत्ती चलाइए। भाई दिमाग की बत्ती नहीं, अभी तो घंटी बजानी पड़ेगी। तो चलिए और ढूंढिए, अगर आपको ये जवाब ना मिला तो मैं हूँ ना भाई, अंत में इसका जवाब मैं दे दूंगा, है ना। तो चलिए अब चलते हैं दिन विशेष की ओर, तब तक दिन विशेष देखते रहें और सवाल का जवाब ढूंढते रहें। आज राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF स्थापना दिन है, NDRF का स्थापना दिन है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो दिन विशेष जो है 19 जनवरी के। और 19 जनवरी की ये है कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एडन पर कब्जा किया। 1903 में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थियोडोर रूजवेल्ट इन्होंने इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सातवां इनको बिना तार का संदेश भेजा और अटलांटिक महासागर पार भेजा गया, ये पहला बिनतारी संदेश था। 1942 में दूसरा महायुद्ध जारी था जिसमें जापान ने ब्रह्म देश पर आक्रमण किया। 1954 में कोयना धरण के बिजली निर्माण केंद्र, इस प्रकल्प का भूमि पूजन हुआ और ये जल विद्युत प्रकल्प है। 1956 में देश के सभी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी हुआ। 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की तीसरी और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1968 में पहला सफल हृदयारोपण शस्त्रक्रिया डॉक्टर क्रिस्टोफर बर्नार्ड इन्होंने किया। 1986 में सी ब्रेन नामक कंप्यूटर का वायरस फैलने लगा। 1996 में महान तबला वादक उस्ताद अल्लार खां इनको मध्य प्रदेश का कालिदास पुरस्कार सम्मान घोषित किया गया।
1996 में ही मलयाली लेखक M.T. वासुदेवन नायर इन्हें 1995 का ज्ञानपीठ पुरस्कार घोषित किया गया। 2006 में नासा का न्यू होराइजन्स ये अंतरालयान प्लूटो के निकट प्रक्षेपित किया गया। 2007 में सरदार सरोवर का बिजली निर्माण केंद्र देश को समर्पित किया गया। 1920 में अमेरिका में नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना हुई। 2005 में लॉन टेनिस ऑस्ट्रियन ओपन में भारतीय महिला तीसरे राउंड में पहुंचने वाली सानिया मिर्जा पहली महिला रही। 2009 में सूर्य शेखर गांगुली को पार्श्वनाथ शतरंज खिताब द्वारा सम्मानित किया गया। 1649 में इंग्लैंड के नरेश चार्ल्स पहला इनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। 1795 में फ्रांसीसी फौजों ने हॉलैंड को तबाह कर दिया। 1910 में बोलिविया तथा जर्मनी के वाणिज्यिक और दोस्ताना समझौता समाप्त हुआ। 1920 में फ्रांस में अलेक्जेंडर मिलरैंड इन्होंने सरकार का गठन किया। 1949 में इसराइल को क्यूबा ने मान्यता दी। 1956 में अरब लीग का नौवां सदस्य सूडान देश बना। 2003 में पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक सुधीर व्यास इन्हें प्रताड़ित किया गया। 2007 में ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद बिन तैमूर अल सईद इनको जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया करने का फैसला किया गया। और 1952 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ये संस्थान यानी कि नैब की स्थापना रुस्तम अल्पाईवाला द्वारा मुंबई में की गई थी। तो ये हुए भाई आज के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन देखते हैं। भारतीय एयर मार्शल ओम प्रकाश मेहरा एयर चीफ मार्शल हैं। 1919 में इनका जन्म हुआ था। बंगाली गायक फिल्म दिग्दर्शक अंजन दत्त 1953। अवध के सूबेदार नवाब शुजाजुद्दौला 1732। कर्नाटक के गायक सरकाजी गोविंद राजन 1933। ग्वालियर के महाराजा जयजीराव सिंधिया 1835। उड़ीसा के कवि मधुसूदन राव 1853। पॉलिटिशियन और न्यायाधीश नारायण दत्त ओझा 1926। भारतीय कवि बलराम शुक्ला 1982। अभिनेता विनायक दामोदर कर्नाटकी तथा मास्टर विनायक 1906। अभिनेता सौमित्र चटर्जी 1935। बांग्लादेश के भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष जियाउर रहमान 1936। मराठी विनोदी साहित्यिक चिंतामन विनायक जोशी तथा ची वी जोशी 1892। स्कॉटिश शास्त्रज्ञ और संशोधक जेम्स वैट जिन्होंने भाप के इंजन की खोज की थी 1936 में इनका जन्म हुआ। अमरीकी गूढ़ कथा लेखक रहस्यमय कथा लेखक कवि एडगर एलन पो 1809। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक रामचंद्र गणेश कुंदगोलकर 1886। संयुक्त राष्ट्र के पांचवे सर चिटनिस जेवियर पेरेस द कुयार 1920 में इनका जन्म हुआ था। द हिंदू अंग्रेज समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक
जी सुब्रमण्यम अय्यर 1855, कवि रजा नकवी वाही 1914, शास्त्रीय गायिका पाकिस्तानी है रोशनारा बेगम 1917, म्यूजिशियन बहादुर खान 1931, अभिनेत्री मानसी सालवी 1980, अभिनेत्री सुषमा राज 1991, मराठी संगीतकार वसंत प्रभु 1924। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन, आवाज के स्मृति दिन। महान सम्राट महाराणा प्रताप 1597, आज इनकी पुण्यतिथि है भाई। रविंद्रनाथ टैगोर, इनके पिताश्री देवेंद्रनाथ टैगोर 1905, दिग्दर्शक रामचंद्र गोपाल तोरने तथा दादा साहेब तोरने 1960, आध्यात्मिक गुरु आचार्य रजनीश तथा ओशो 1990, राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ रजनी कोठारे 2015 में इनकी मृत्यु हुई। उद्योजक और क्रिकेटर एम ए चिदंबरन 2000, अभिनेता गायक और पटकथा लेखक बिजोन भट्टाचार्य 1978। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष भाई। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन भाई सवाल का जवाब, जी हाँ बहन भाइयों, घंटी कहाँ पर है वो देखनी है। तो चलिए भाई, सवाल ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा घंटा कहाँ लगाया गया है। जी हाँ बहन भाइयों, तो ये है हमारे भारत देश में। जी हाँ बहन भाइयों, भारत देश के राजस्थान में कोटा नदी, कोटा में ये दुनिया का सबसे बड़ा घंटा, हाल ही में इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। चंबल रिवर फ्रंट पर इसे लगाया गया है। और इस घंटे का वजन कितना है भाई, इस घंटे का वजन है 79,000 किलोग्राम से भी अधिक। जी हाँ भाई, 79,000 किलोग्राम से भी अधिक, यानी कि 10 हाथियों से भी अधिक इसका वजन है। इसकी ऊंचाई 30 फीट है और चौड़ाई 28 फीट है। और भाई अगर एक बार ये बजे तो भाई 8 किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई देती है। अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा, नेट पर जाइएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, जानकारी आपको बहुत मिल जाएगी। तो चलिए मैंने भाइयों, आज की जानकारी कैसी रही, दिन विशेष कैसा रहा, वीडियो कैसी रही, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए मेरे भाइयों, अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा, एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए जानकारी के साथ भाई, एक और नए दिन विशेष के साथ। तब तक के लिए सीना को दीजिएगा आज्ञा, नमस्कार, सलाम, आदाब, प्रणाम, बाय।